Hi, good morning everyone. Today the topic of our FB Live is on skin tips in pregnancy. So look good and feel good in pregnancy. So why it is important to look good and feel good? Because already hormonal changes in our body mein itne ho rahe hain ki usually we feel we are less dehydrated and hame uski wajah se because of the mood swings प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है सो देर आर डार्क सर्कल्स प्लस साथ में पिगमेंटेशन स्किन में इंक्रीज हो रही है स्किन का टेक्स्चर चेंज हो रहा है स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं सो देर आर लॉट ऑफ मिथ्स एंड फैक्ट्स विच वी डोंट नो अबाउट स्किन केयर सो लेट्स गो बाय वन सो वॉट आर द कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स डेट फीमेल फेसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ने बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि फेस पे ना एक्ने एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गए सो वॉट इज द कॉज ऑफ दीज एक्ने सो ये एक्ने हो जाते हैं एक तो द सेंसिटिविटी स्किन की है वो इंक्रीज हो गई इंक्रीज सेंसिटिविटी हो गई है ड्यू टू जो हॉर्मोन्स हैं और जो बॉडी के चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से सेकेंड इंक्रीज ऑयल सिक्रीशन हो गई है स्किन ड्राई ज़्यादा रहने लगी है द टेक्स्चर हैज चेंज अ बिट प्लस साथ में हॉर्मोनल जो चेंजेस हैं वो सब कंबाइंड होके एक्ने काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर अप कर जाते हैं फेस पे भी हो रहे हैं बॉडी पे भी हो रहे हैं ड्यू टू द हॉर्मोनल चेंजेस सो दैट गेट्स प्रॉब्लमैटिक फॉर अ फीमेल तो उसको ये लगता है कि अब मैं ऐसा क्या स्किन में कौन सी व्हाट एंटी एक्ने क्रीम आई कैन यूज एंड कौन सी सेफ है कौन सी नहीं है सो दिस इज ऑल्सो वील डिस्कस द सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम डेट आई हैव सीन विद पेशेंट्स आर पिगमेंटेशन स्किन पिगमेंटेशन इंक्रीज हो रही है अंडर आर्म्स में पिगमेंटेशन इंक्रीज हो रही है जो अबडोमिनल स्किन है उसकी लाइन बहुत प्रोमिनेंट हो रही है एंड जो सबसे ज़्यादा स्किन पिगमेंटेशन जो ज़्यादा हो जाती है डेट इज़ ऑन फेस में स्पेसिफिक एरियाज में जैसे फोरहेड हो गया अपर लिप हो गया एंड चीक्स के ऊपर हो गया जिसको हम बोलते हैं मेलेस्मा या क्लोस्मा सो विच लिटरली मीन्स मास्क इन प्रेगनेंसी काइंड ऑफ अ मास्क नहीं जैसे हम लगा लेते हैं फेस मास्क जैसे बिल्कुल वैसे बैटमैन के मास्क जैसा सो उतनी वाली पिगमेंटेशन और वो क्यों हो जाती है सो देर इज अ पिगमेंट मेलेनिन पिगमेंट जो हमारी बॉडी बनाती है दैट इज यूजली इन अर स्किन ऑल्सो एंड इन अर हेयर ऑल्सो दैट जो मेलेनिन जो सिक्रीट करते हैं ना पिगमेंट सेल्स उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स की वजह से एंड यूजली आफ्टर प्रेगनेंसी काफ़ी बेटर हो जाती है और वो क्योर्ड हो जाते हैं प्लस बिकॉज वो मेलेनिन की पिगमेंटेशन जो है वो स्किन सेंसिटिविटी सन के लिए से जो है ना उससे ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है सो जैसे ही पीपल हु आर एक्सपोज टू सच सेंसिटिविटीज़ वो सन एक्सपोजर उनका इंक्रीज होता है नॉट इवन इंक्रीज इवन अ माइनर सन एक्सपोजर जैसे बाहर गए उतने में ही वो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है ऑन फेस सो दैट इज़ वन कंसर्न दैट आई सी विद माई पेशेंट्स अनदर इज दे फील कि उनको ना स्ट्रेच मार्क्स का एक बहुत है सो स्ट्रेच मार्क्स जो है ना दे आर नॉट ओनली लिमिटेड टू द अबडोमिनल बेली हिप्स में थाइज में एंड मोस्ट ऑफ माई पेशेंट्स आस्क कि स्ट्रेच मार्क्स जो हैं ये जाएंगे कैसे एंड देर आर सो मेनी ऑयल्स विच आर अवेलेबल और मार्केटिंग आई विल से क्रीम्स अवेलेबल थ्रू आउट मार्केट विच पीपल हैव बीन यूजिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वाई डू वी हैव स्ट्रेच मार्क्स सो स्ट्रेच मार्क्स में क्या है जैसे जैसे आपका अबडोमिनल फैट इंक्रीज हो रहा है एंड बेली का साइज इंक्रीज हो रहा है यूट्रस का साइज इंक्रीज हो रहा है तो वो जो आपकी स्किन है ना वो जो इलास्टिक होनी चाहिए वो वहाँ से कई बार परमानेंटली ब्रेक हो जाती है उसके अंदर के जो फाइबर्स हैं इलास्टिन फाइबर्स और जो नीचे डर्माटॉप के फाइबर्स हैं वो जब वो डर्मल फाइबर्स ब्रेक होते हैं ना परमानेंटली स्नैप होके तो वो जो स्ट्रेच मार्क्स दिखने लग जाते हैं जो इनिशियली थोड़े रेड कलर के होते हैं वे टाइम सिल्वरी हो जाते हैं सो स्ट्रेच मार्क्स अवॉइड हो सकते हैं बट पूरे ठीक होते हैं वो अगर इफ़ यू लेटर ऑन गो टू अ प्लास्टिक सर्जन या आपका स्किन स्पेशलिस्ट करे पोस्ट प्रेगनेंसी कुछ करके अदरवाइज इट इज़ काइंड ऑफ अ परमानेंट थिंग सो वॉट यू कैन डू इज टू प्रिवेंट इट प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप बहुत सारा योर स्किन नीड्स टू बी इलास्टिक सिंपल एज दैट सो फॉर टू रिमेन द स्किन टू बी इलास्टिक देर आर लॉट ऑफ ऑयल्स ऑल्सो लोग कोकोनट ऑयल लगाते हैं ऑलिव ऑयल लगाते हैं कोको बटर क्रीम लगाते हैं सो एनी थिंग विच कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड जब आपकी वो हाइड्रेटेड स्किन रहेगी ना तो वो स्ट्रेच मार्क्स डेफिनेटली आपके कम होंगे
सो वॉट आई यूजली एडवाइज माई पेशेंट्स इज कि जैसे आप ऑलिव ऑयल नहीं, ऑलिव ऑयल को आप अपने बेड साइड पे रख लीजिए और इन स्मॉल बॉटल्स रख लीजिए. सो वेन एवर यू फील कि थोड़ा सा इचिंग है, थोड़ा ड्राइंग लग रहा है, थोड़ा सा अपने मतलब जस्ट पुट अ फ्यू ड्रॉप्स इन योर हैंड और उसको ना अच्छा सा थोड़ा सा सफल तरीके से ना स्प्रेड कर लीजिए ऑन द स्किन, स्पेशली ऑन योर अप बेली एंड हिप्स एंड अपर थाइस. सो ये वाले एरिया में ही स्ट्रेच मार्क्स के चांसेस होते हैं और वो थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाएंगे. एंड नो स्क्रैच मार्क्स शुड बी देयर. सो जब भी आपको इचिंग लगे प्लीज डोंट स्क्रैच. आपको उस टाइम पे जरूर लग रहा है कि थोड़ा सा स्क्रैच कर रहे हो, उसके बहुत गंदे निशान पड़ जाते हैं एंड देन यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट लेटर ऑन बिकॉज वो रह जाएंगे मार्क्स. सो वेन एवर यू फील यू हैव अ स्क्रैची स्किन प्लीज यूज द ऑयल और द कोको बटर क्रीम टू सूद इट. सो दिस दीज आर द फ्यू विच आई सी फ्रीक्वेंटली. सो नाउ विल गो बाय वन. सो जैसे अभी मैंने बोला स्किन की पिगमेंटेशन इंक्रीज हो जाती है. सो दैट मीन्स हमें क्या करना चाहिए टू प्रिवेंट इट. सनस्क्रीन, सनस्क्रीन आर अ मस्ट व्हेन यू आर गोइंग आउट. ठीक है, आप सनस्क्रीन लगाओ, आप हैट्स यूज करो, एम्ब्रेलाज यूज करो. स्पेशली आज अभी जो आजकल का है इट्स क्वाइट हॉट आउटसाइड एंड इतना सनी है कि आप बाहर जाओगे तो आपका पिगमेंटेशन होने का चांस है ही है. सो कवर योर सेल्फ प्रॉपरली वेन यू आर गोइंग आउट. और जब आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हो देन यू हैव टू यूज मिनरल सनस्क्रीन. व्हाई आई एम सेइंग मिनरल सनस्क्रीन, यू हैव टू एक्चुअली रीड उसके पीछे क्या सनस्क्रीन में लिखा है. सो जिंक ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड ये अच्छे ऑल्टरनेटिव हैं टू यूज. तो ये वाले मिनरल सनस्क्रीन आपने यूज करने हैं एंड यू हैव टू सी वाटर बेस्ड होना चाहिए, मतलब वाटर प्रूफ होना चाहिए. आपका SPF उसका 30% से अबव होना चाहिए एंड इट शुड गिव यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA एंड UVB रेज ऑफ सन रेज. ठीक है, एंड कितना कब लगाना चाहिए, 15 मिनट्स बिफोर गोइंग आउट एंड देन यू कैन रिपीट एवरी टू आवरली इफ यू आर गोइंग टू बी आउट फॉर अ लॉन्गर टाइम. ठीक है, एंड ये हो गया आपका सनस्क्रीन का. सो सनस्क्रीन में कौन से नहीं आप यूज कर सकते, जैसे जिसमें पाबा हो कंटेंट वो नहीं ले सकते हैं, उसको नहीं लेना है आपने. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूजुअली आता है कि व्हाट इज अ डेली स्किन केयर रूटीन दैट यू शुड डू. सो एक अच्छा सा माइल्ड क्लिंजर लीजिए, ठीक है, न्यूट्रल बेस्ड वाला. उससे आप अपना फेस एवरी डे मॉर्निंग यू शुड वॉश योर फेस विद अ क्लिंजर. क्लिंजर के बाद एक टोनर लगाओ, टोनर के बाद में एक सनस्क्रीन अप्लाई करो, जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि काइंड ऑफ सनस्क्रीन दैट यू कैन फाइंड इन द मार्केट. और उसके बाद में एक मॉइस्चराइजर लगाओ एंड देन गो आउट. सो दिस इज अ बेसिक रूटीन दैट यू नीड टू फॉलो फॉर योर स्किन. एंड अब रात को यू कैन रिप्लेस इट विद अ नाइट क्रीम एंड सनस्क्रीन बाय सम सीरम ऑल्सो. सो बट यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो एंटी रिंकल क्रीम्स हैं, ये एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, वो शुड नॉट बी अप्लाइड, स्पेशली अगर उसमें रेटिनॉइड्स हैं. So why I'm mentioning few ingredients is so that next time when you go and buy cosmetics for yourself, you are more cautious about it. So there is a thing about for acne, लोग बोलते हैं salicylic acid लगाने को. So in spot अगर बीच में आप कभी लगा रहे हो salicylic acid, it's okay. But high doses of salicylic acid या फिर salicylic acid अगर ingestion करें is not advisable. Similarly, there is a drug which is usually given in non-pregnant females is isotretinoin. So isotretinoin is a teratogenic drug. So once I say teratogenic means ke wo bacche ke andar developmental defects dal sakta hai. So and the guidelines for isotretinoin is ki if someone is using isotretinoin to usko 2-3 mahine tak pregnancy plan bhi nahi karni chahiye. So it's that dangerous and should be avoided and you should actually consult your OB-GYN and your skin specialist before starting any treatment like that. Absolute no-no jo procedures hain during pregnancy are lasers nahin kara sakte aap. Chemical peels should be avoided. No Botox, no fillers can be used. So a very common question that I usually get with my patient is ki hair color kar sakte hain ki nahin. कि मेरा ग्रेइंग हेयर हो रहा है एंड हाउ टू गेट अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर कलर आप कर सकते हो अगर वो रूट्स टच नहीं कर रहे, बट देन आफ्टर सेकेंड ट्रिमेस्टर. सो देयर हैव बीन स्टडीज विद दे हैव सेड कि जो केमिकल्स उसमें यूज हो रहे हैं वो इतने हार्मफुल नहीं है, बट देन यू कैन फाइंड सम सेफर ऑल्टरनेटिव जो आप उसमें यूज कर सकते हो. सेम गोज फॉर द हाईलाइटिंग ऑल्सो.
सो यू हैव टू बैलेंस इट विद कि आपका कौन सा ट्रेमेस्टर चल रहा है एंड यू नीड टू डिस्कस दिस विद योर डॉक्टर बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विच इन्वॉल्व केमिकल्स. ओके, सो अब आपने जो नहीं करना है, सो देर आर स्किन रूल्स टू फॉलो एंड दीज आर स्किप एंड यू कैन नॉट स्किप देम. एक, अपना स्किन रूटीन आप रेगुलरली फॉलो करोगे एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इज टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, स्पेशली इस वेदर में. सो व्हेन आई एम सेइंग इट्स डल स्किन हो रही है, ड्राई स्किन हो रही है, उसमें सिर्फ आपको बाहर से मॉइस्चराइजर लगाने से नहीं होगा. सो वट एवर यू पुट इन साइड विल ऑब्वियसली शो आउटसाइड. सो आप जो खाएंगे पियेंगे वो आपकी बाहर स्किन पे, आपकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट होगा. सो प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, अभी तो सिट्रस फ्रूट्स मिल रहे हैं मार्केट में, वाटरमेलन्स हैं, जितने आप फ्रूट्स की इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखेंगे उतनी अच्छी है. सो वाइटामिन सी इज ऑल्सो वेरी गुड. सो पीपल हु आर टेकिंग सिट्रस फ्रूट्स और इवन नींबू पानी, वाइटामिन सी नॉट ओनली आपको हाइड्रेट रख रहा है बट इट इज़ अ वेरी गुड एंटी ऑक्सीडेंट. तो जो एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं ना, वो जैसे यू मस्ट हैव सीन बहुत सारे स्किन क्रीम्स वगैरह में वाइटामिन सी होता है. सो वाइटामिन सी का सप्लीमेंट या वाइटामिन ई जो होता है उसके अंदर, दैट्स परफेक्टली ओके बिकॉज वो आपकी स्किन को भी मतलब एंटी एजिंग प्रोवाइड करते हैं. सो उसकी डीजनरेशन को प्रिवेंट करते हैं. सो दैट वे ऑल्सो इट्स गुड. इट्स ऑलवेज सेड दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेयर फॉल टेक्स प्लेस. सो सिमिलरली जैसे आई मेंशन अबाउट स्किन केयर, हेयर ट्रीटमेंट और हेयर केयर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. आप अपने हेयर को ऑयलिंग करके रखिए, हेयर वॉश अच्छे माइल्ड अपने सोप से उसे शैम्पू से करिए एंड उसको जितना आप हेल्दी रखेंगे, फ्रीक्वेंट ट्रिमिंग कराइए उसकी. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प एंड बिकॉज द ब्लड फ्लो इज इंक्रीज, सो हेयर फॉल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज काइंड ऑफ राइट ऑल्सो. बट उसी तरह से जितना हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रोथ भी उतनी ही हो रही है. बट यू नीड टू टेक एडिक्वेट केयर ऑफ योर हेयर एज वेल एज योर स्किन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. वाई फेस गेट्स डल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सो फेस गेट्स डल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज आपके पिगमेंटेशन फेस की इंक्रीज हो रही है. जो ये जो मैंने अभी आपको बताया, मेलेस्मा या प्लोस्मा जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, जो स्पेसिफिक एरियाज में ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है, पिगमेंटेशन बिकॉज ऑफ मेलेनिन जो इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू स्किन की सेंसिटिविटी टू सन, वो कर रहा है आपका पिगमेंटेशन ज़्यादा. पीपल से इफ इट्स अ गर्ल योर फेस ग्लोज एंड इफ इट्स अ बॉय इट गेट्स डल, इज इट ट्रू? सो इट्स नथिंग लाइक दैट दैट योर फेस ग्लोज वेन इट्स अ गर्ल और इफ इट्स अ बॉय इट गेट्स डल. बट डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई पेशेंट्स में बहुत फेस पे ग्लो होता है एंड द ग्लो इज यूजली सीन इन सेकेंड ट्रिमेस्टर और बिकॉज योर ब्लड फ्लो इज इंक्रीज, दैट्स द रीजन इफ यू टेक गुड केयर ऑफ योर स्किन द ग्लो विल परसिस्ट. एंड डलनेस का रीजन आईव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज बिकॉज ऑफ द मेलेनिन पिगमेंट विच गेट्स इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Kindly share certain tips on pregnancy during summers that it's hot nowadays and skin burns. So yes, so few tips during pregnancy are hydration first. So hydration inside your body and hydration outside your body. So why it's important? खूब लिक्विड्स लेना है. आप अपने साथ में वाटर बॉटल्स कैरी कीजिए. यू कैन कैरी नींबू पानी, यू कैन कैरी इलेक्ट्रॉल, यू कैन कैरी ओरस विद यू व्हेन यू गोइंग आउटसाइड. और साथ में आप अपना जो है ये सनस्क्रीन बिफोर लगा के जाइए, खूब मॉइस्चराइजर लगाइए तो दैट विल हेल्प ताकि आपके सनबर्न्स नहीं हो. यूज एम्ब्रेला, हैट्स यूज करिए. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन हेल्प एंड अपनी स्किन को कवर रखिए विद प्रॉपर क्लोथिंग्स. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. सडन पिम्पल अकर्स ऑन फेस, वाई दैट हैपन्स? सो पिम्पल यूजली इन प्रेगनेंसी आर ड्यू टू हॉर्मोनल चेंजेस, इंक्रीज ऑयल सिक्रीशन एंड ड्यू टू द डल स्किन विच इज द चेंज इन स्किन ड्यू टू द हॉर्मोनल इफेक्ट ऑन द स्किन. सो दैट इज द रीजन यू हैव पिम्पल्स. वाई सर्टन क्रीम्स एंड सनस्क्रीन्स आर नॉट एडवाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सो सर्टन क्रीम्स एंड सनस्क्रीन्स आर नॉट एडवाइज बिकॉज दे माइट हैव रेटिनॉइड एसिड्स, जैसे आई मेंशन्ड अर्लियर अबाउट द एंटी एजिंग क्रीम्स एंड ये जो स्किन की नाइट क्रीम्स आती हैं, ये दे यूजली हैव रेटिनॉइड्स
एंड सनस्क्रीन्स में भी पापा, बिकॉज इफ दे गेट अब्जॉर्ब फ्रॉम स्किन तो वो आगे बेबी के अंदर अब्जॉर्प्शन बिकॉज इनमें इंक्रीज होती है, तो उसके अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं. सो दैट्स द रीजन यू शुड ट्राई टू गो फॉर मिनरल सनस्क्रीन, जैसे जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड वाले सनस्क्रीन होते हैं. सो व्हाई इचिंग एंड पोस्ट इचिंग द पैचेस अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? So itching occurs because of the dryness of the skin, and for that obviously you need a good moisturizer. It can be cocoa butter, coconut oil, olive oil, or any moisturizing cream which is thick based. And post itching the patches occur because that is what I was telling you earlier also, ki wo itching ke saath na nishan pad jate hain, which you are not able to see during pregnancy, but post pregnancy they get very prominent. So that's the reason, kyunki wo scratch marks pad rahe hain. सो वाई आई गेट्स पफी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सो ये जो प्रेगनेंसी में ना आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो फ्लूड इन योर बॉडी इंक्रीजेस, तो जो फ्लूड है वो जैसे फ्लो में जा रहा है वो वापस, वैसे जैसे हैंड्स और फीट में स्वेलिंग कर रहा है वैसे वो पफी आइज भी कर रहा है, बिकॉज देर इज अ लैक्स स्किन जो है ना वहाँ की. अगर आप आइज के नीचे देखो तो वहाँ पर ना कोई ऐसा बोन नहीं है इतनी ऐसे, तो वो थोड़ी सी लूज है, सो वहाँ पे वाटर रिटेंशन हो जाती है. सो एक पफी होने का रीज़न ये है. प्लस इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली तो पफी होने का रीज़न है. सो दैट्स द रीज़न आपको अपनी स्किन केयर के साथ में अंडर आई क्रीम्स भी लगानी चाहिए जिनके अंदर ज़्यादा पफी स्किन हो. बट डेफिनेटली आफ्टर सीइंग कि क्या एडवाइजेबल है क्या नहीं है इन दैट प्रोडक्ट्स. वॉट डू यू एडवाइस फॉर प्रिवेंटिंग स्ट्रेच मार्क्स? So for preventing stretch marks, I've already told you, we have to moisturize the skin from time to time. So this can be in the form of oils or cocoa butter creams or any other good moisturizer who are thick based and will just stick to our body and keep it moisturized. So I think I've been briefly covered this topic, and yes, and there is one more question that I usually face with patients is, can I use cosmetics during pregnancy? You can perfectly use cosmetics during pregnancy provided they have the safety ingredients, and you can confirm that with your gynec, and there is no harm in looking good and being more confident with whatever you wear. But the only thing which is required by you is to be more aware of what is good and what is not good for you and your baby. But at the end of the day, it's important that you keep yourself hydrated and keep glowing. Thank you so much.